हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, मिचोंग मेक्स लैंडफॉल इन प्रदेश, वीक्स हैवॉक, ब्रिक्स हैवॉक। तो देखते हैं क्या है। लाइफ वॉज थ्रोन आउट ऑफ गियर ऑन द सदर्न आंध्र प्रदेश कोस्ट ऑन ट्यूजडे एज इन एन हैवी वेलोसिटी विंड ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन मिचोंग लैश बापतला टाउन एंड नियर बाय विलेजेस अपरूटिंग ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। तो साइक्लोन मिचोंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अभी ये न्यूज़ में है 2-3 दिनों से। द सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम मेड इट्स लैंडफॉल फ्रॉम हाफ नून टू 2:30 PM क्लोज टू द साउथ ऑफ बापला विद अ मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड ऑफ 80 to 100 km/h। 3 persons वर किल्ड इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स वाइल 2 वर किल्ड आफ्टर अ पोर्शन ऑफ पोल्ट्री यूनिट कोलैप्स्ड इन द इलूरू डिस्ट्रिक्ट। अ कॉन्स्टेबल ऑफ APSP बटालियन इन कडप्पा वॉज किल्ड वेन अ ट्री हिम वेन ही वॉज राइडिंग अ मोटरसाइकिल इन दी सिद्धावतम फॉरेस्ट रेंज। ऐसे ऐसे आप देखिए दुर्घटनाएं हुई हैं इस साइक्लोन के वजह से, इसी को बोला जाता है नेशनल डिजास्टर। द साइक्लोन इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड इज लाइकली टू वीकन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। हाउ एवर हैवी रेन विल कम, द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी APSDMA सेड। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट Authority official said it would take a couple of days to restore power supply in the affected areas. तो अभी कुछ दिन power supply वहाँ पे जाने में। As a precautionary measures, power was shut well before the cyclone made it landfall. The precaution के वजह से इन्होंने precaution लिया कि पहले ही, अब देखो यहाँ पे अगर मानो electricity होती, pole गिरता तो यहाँ पे पूरे जगह electricity फैलती और इन सबके जीप बाहर निकल जाते, जानवर सबके। तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी काट दी कि अगर ये सब कुछ गिरे भी तब भी हम अपने लाइफ को बचा और यहाँ से बच के निकल पाए। देर वर रिपोर्ट्स दैट अ फ्यू एंड रूफ ऑफ हाउसेस कोलैप्स्ड बट देर वर नो कैजुअलिटीज सो द ऑफिशियल सेड। पीपल लिविंग अलोंग द कोस्ट इन इन एंड टाइल्ड हाउसेस बोर द बर्न। The sea turned very rough and there were high tides and gusting winds. Gusting मतलब बहुत speed में, speed हम देख ही रहे हैं 90 to 100 है। When the cyclone crossed the coast about 40 km from the Baptala. The sea has come forward by about, हो गया, just a second. The sea has come forward by about 100 to 110 अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टाइडल वेव्स। तो टाइडल वेव्स की वजह से सी आगे आ गया है। मेनी अटैच्ड फिशरमैन हाउसेस हैव बीन डैमेज्ड, हाउएवर देयर आर नो कैजुअलिटीज इन द फिशरीज एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इवैक्यूएटेड टू द सेफर प्लेस वेल इन एडवांस। प्रिकॉशन की वजह से किसी की जान यहाँ नहीं गई। वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग रेन फॉर द लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से, बट द इंसिडेंट संडे इवनिंग क्रिएटेड पैनिक मेजर्स। तो पहले से तेज हवा तो चली रही है 3 दिनों से, पर जो हालात हुई है वो लोगों के अंदर थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन हो गई है। ये क्या हो रहा है। द पुलिस एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF एंड द स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स SDRF टीम्स हैव बीन पोस्टेड ऑन द सूर्यलंका बीच, सेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। वी हैव पीपल रिसाइडिंग इन द Thatched houses and huts in the nearby colonies, NDRF commandant itne bola. The wind was so strong that the NDRF personnel on the Sri Lanka beach had to rush to the shelter home for a brief period. The severe cyclone is likely to move northwards, weaken into cyclonic storm and thereafter into a deep depression and depression and fizzle out in next 8 hours. The AP, ye Andhra Pradesh State Disaster Management Authority ne bola. As the intensity of the rain picks up after the landfall, people living in the low-lying area have been evacuated. अब आप देखिए इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए चीज है, इससे ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमारे लिए बहुत, कल हमने देखा था दो है, ये यूनिक क्यों है क्योंकि यहाँ पे इतना
सीवियर कंडीशन डेवलप नहीं होता है जो साइक्लोन को करे, पर ये वाला साइक्लोन बहुत इंटेंसिफाइड है, इसीलिए ये थोड़ा सा कैरेक्टर है इसका। ठीक है, सेकंड टेम्परेट वर्सेस ट्रॉपिकल, इंडिया है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से एक साइक्लोन आता है, एक साइक्लोन बे ऑफ बंगाल आता है, एक साइक्लोन अरेबियन सी से आता है। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो ये वाला है और ये दोनों जो है आपके ट्रॉपिकल है। यहीं पे तमिलनाडु है, यहीं पे आंध्र प्रदेश है, और ये यहीं ऐसे आया है आपका। तो इसीलिए ट्रॉपिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। और आप देखिए, अगर साल में 5 साइक्लोन आते हैं तो उसमें से एक आता है अरेबियन सी से, 4 आते हैं बे ऑफ बंगाल से, और ये इतने सीवियर नहीं होते, ये बहुत ही सीवियर होते, बहुत सीवियर BS, बहुत सीवियर। तो ये है आपका बे ऑफ बंगाल वाला, फिर भी ये इतना सीवियर है इसीलिए, और इस टाइम पर है इसीलिए ये यूनिक कैरेक्टर है। और टेम्परेट और ट्रॉपिकल में डिफरेंसेस हमें बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। NDRF, NDRF, SDRF, प्रदेश, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बस ये हमें पता होना चाहिए। कहीं पर हम सुन रहे हैं तो क्या है NDRF, क्या है ये डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।